स्वान बास्केट बनाने के लिए, स्वान फ्रूट बास्केट बनाने के लिए हम ले रहे हैं इस तरीके की कोर बास्केट। ठीक है, आपको ऐसी बास्केट लेना है जिसका ये तला है ना बहुत पतला ना हो, चौड़ाई में ना हो, उस तरीके से लेना है। उसके बाद इसमें हम पॉलिथीन लगा रहे हैं, पॉलिथीन बड़ी होगी तो ये चीज़ नहीं आएगी। मेरे पास अभी दिख नहीं रही है तो मैं इसको ऐसे ही कर ले रही हूँ, और साथ में इसके टेप लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद हमको इसमें ऑयल लगाना है। ऑयल कोई भी हो सकता है, कुकिंग वाला या नारियल, कोई भी जो आपके पास हो अवेलेबल वो लगाना है। ठीक, अब इसको एक साइड कर लेंगे और हम क्ले लेंगे। क्ले पेपर में से क्ले ले रहे हैं हम। मार्बल क्ले भी ले सकते हैं, पर मार्बल क्ले में इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, बेल नहीं पाएंगे, इसीलिए आप पेपर में से क्ले ही लीजिए। ये देखिए कितनी स्मूथ है। ये जो मेरी रेड है इसका ये है कि जो चॉक पाउडर मेरे पास आया था इस बार, हर जगह अलग अलग तरीके का मिलता है। मेरे पास जो चॉक पाउडर है वो रेड कलर में है, और अभी जो मैं निकाल रही हूँ वो वाइट चॉक पाउडर का है। ठीक है, ये कम से कम महीना हो गया मुझे रखे हुए, तो मैं पहले इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसको इस तरीके से सॉफ्ट करना होगा। चॉक पाउडर्स के कलर से कोई वो नहीं होता है, ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो चटक जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा स्मूथ करना जरूरी है। तरीके से हम इसको राउंड कर लेंगे और इसको बेल लेंगे, वो चपाती की तरीके बेल लेंगे।
ये थिकनेस ऐसे रखनी है, तो हम 4 mm, ठीक है। अब इसमें ऑयल लगा चुके थे, अब इसको हम सेंटर में रख देंगे, ठीक, और इसको ऐसे फैला लें। जो एक्स्ट्रा है उसको काट के निकाल लेंगे। यदि क्ले की रेसिपी जानना हो तो पेज में पड़ी है और यूट्यूब चैनल में भी पड़ी है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। जिस तरीके से आप कर देंगे ना उसी तरीके से सेप आ जाएगा। बाकी मेरा काफी चिकना आया हुआ है, यदि चिकना नहीं आता है यदि तो आप थोड़ा सा पानी इस तरीके से फेर लें, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये आ जाती है ना, क्योंकि यहाँ चौड़ा है उसको यहाँ रखना है, तो ये जो क्रैक आए हैं वो मतलब सिलवट पड़ी है, उनको थोड़ा सा दबा देना, एक साइड कर देना। मैं छोटी बास्केट बना रही हूँ, आप किसी भी साइज़ की बना सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, टेक्निक मैं बता रही हूँ आपको। आप क्या साइज़ बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है, टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। और उसको इस तरीके से खोल के, हाँ, सूखने के लिए रख देना है। बस आज की क्लास सिर्फ इतनी सी थी, क्योंकि जब ये सूख जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और तो उसके बाद का प्रोसेस मैं जो मटेरियल के लिए है, मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ क्या क्या लगना है। कल आप लोग ये तैयार करके रखिएगा, ठीक है। यदि ये सूख जाएगा तो मैं कल क्लास लूँगी, यदि नहीं सूख पाया इन केस, वैसे आज तो हल्के सा मौसम खुला हुआ है, नहीं सूख पाया तो हम परसों क्लास करेंगे, ठीक है। और हमको मटेरियल चाहिए है इसके इसके लिए क्ले के लिए, तो ये जो होममेड क्ले है वो हमें चाहिए, थोड़ा सा ये टेप है जो पेपर टेप या क्या बोलते हैं इसको, मस्कुलर टेप क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा वो, और छोटे छोटे से हमको टुकड़े चाहिए हैं इसके, लोहे के वायर जो होता है वो, फेविकॉल और टूल्स, टूल्स कोई भी करेंगे। यदि टूल्स आपके पास इस तरीके के नहीं हैं तो लाइफ वायर रख लीजिएगा, ठीक है। कल के लिए इतना चाहिए, और बाकी जो हम कलर करेंगे तो उसके लिए हमको कलर चाहिए। बाकी बनाने के लिए हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, क्ले चाहिए, फेविकॉल चाहिए, थोड़ा सा वायर चाहिए है, और पेपर टेप चाहिए है, और थोड़ा एलुमिनियम फाइल, बहुत थोड़ी सी, नहीं है यदि एलुमिनियम फाइल तो कोई बात नहीं, हम नैपकिन से भी काम चला लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय।